A disease is something contracted from either microbes or is a physical or mental condition derived from a person's defective gene pool. Don't take our word for it, though. And please never ever take a politician's definition of disease seriously. It is a diseased mind that wants to control other people. Why politics? And one should avoid definitions of medical conditions from those who are already afflicted by it. And this kind of disease spreads by simply listening to it. Don't listen to diseased politicians. And in case you do, try a hysterical bout of laughter. It is the only vaccine you have to protect yourself from this deadliest virus. Good evening and welcome to Jai Hind. Hi. Health Minister Ghulam Nabi Azad ne ek HIV एड्स कॉन्फ्रेंस में कहा है कि होमोसेक्सुअलिटी एक अननेचुरल डिसीज है. यू नो व्हाट आई थिंक नो कांग्रेस मिनिस्टर शुड बी टॉकिंग अबाउट होमोसेक्सुअलिटी गिवन हाउ मच दे किस राहुल गांधी ऐस. आयरॉनिकली उत्तर प्रदेश में पीपल थिंक दैट द कांग्रेस इज अ पार्टी ऑफ फैग्स गिवन हाउ दे गेट देयर एस इन एवरी इलेक्शन. And I don't know if homosexuality is a disease or not. But if stupidity was a disease, the Congress ministers would be incurable. But let's look at the brighter side. Shayad ye pure saal ka ikalota issue hai jis pe BJP, Congress aur Baba Ramdev tino agreement mein hai. So maybe agli sarkar gathbandhan mein bani to it will be on the agenda of homosexuality bimari hai ya nahi. क्लोजली देखें तो इन तीनों के स्टैंड भी काफी अलग है. नुएंसेस हैं सबके स्टैंड में. बीजेपी कहती है होमोसेक्सुअलिटी बीमारी है और इसीलिए होमोसेक्सुअल्स को पीटो. बाबा रामदेव कहते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी बीमारी है, मुझसे योगा और दवा लो और ठीक हो. और कांग्रेस कहती है होमोसेक्सुअलिटी बीमारी है और हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन अब हमने बोल दिया है तो इलाज भी हमें ही देना चाहिए. लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं कि साला बोला ही क्यों, क्योंकि पहली लाइफ में इतने पंगे हैं, ये नया पंगा लेने की जरूरत क्या थी. कांग्रेस का कितना नुएंस्ड स्टैंड है इस इश्यू पर. वैसे जैसे कि उम्मीद थी, गे कम्युनिटी गुलाम नबी आजाद के स्टेटमेंट से बुरी तरह हर्ट हुई. आई थिंक इसमें अब गे कम्युनिटी की भी गलती है. वो लोग हर्ट होते हैं और लोग उन्हें और स्टीरियोटाइप करते हैं कि देखो गे है इसीलिए हर्ट हो गया. और बाकी अभी मोर फुट इन द माउथ स्टेटमेंट्स फ्रॉम यूपीए. एक मुलाकात दिल्ली के एक टॉपर स्टूडेंट से, स्मोकिंग रोकने का नया तमाशा और एक नजर कुछ आने वाली फिल्मों पर. लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद तब तक केदार को सुनिए. वेलकम बैक गाइस. बात चल रही थी कांग्रेस की तो मनमोहन सिंह जी ने एक रीसेंट बयान में कहा है कि 25% ऑफ बांग्लादेश इज अगेंस्ट इंडिया. कमाल है, वैसे पूरा साल मुंह खोलते नहीं है और जब खोलते हैं तो एक ना एक नेबर के साथ क्लैश करके ही छोड़ते हैं. आई वोंट ब्लेम हिम. वैसे जब मेरी बाई भी ढंग से काम नहीं करती घर पे तो मुझे भी बड़ा गुस्सा आता है. मैं भी यही कहता हूँ कि साली मुझसे नफरत करती है. नथिंग अनयूजुअल इन दिस. मनमोहन सिंह जी ने खैर काफ़ी लंबे टाइम के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इसमें उन्होंने अपनी सरकार के फेलियर्स, मतलब सारे फेलियर, सारी गलतियां, सारे स्कैम्स, सबका इल्ज़ाम मीडिया को दिया. यस, पीएम ने कहा कि सारी गलती मीडिया की है जिसने देश में इतनी नेगेटिविटी का माहौल फैलाया हो. सो बेसिकली उनका कहना है कि मीडिया ने नेगेटिव न्यूज़ फैलाई, इसीलिए कलमाड़ी साहब का मन मचल गया स्कैम का. मीडिया ने कहा कि सरकार खराब है, इसीलिए ए राजा ने सोचा चलो लगे हाथों 1,00,000 करोड़ गटक लिया जाए और सो एन एंड सो फोर. लेकिन पीएम साहब के ऐसे बयान सुन के कम से कम ये तो समझ में आता है कि वो कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलते. आई थिंक वो चरसी हो, उन्हें चरस की लत लग गई.
ये सारे सिम्टम्स उसी चीज़ के, कमरे से बाहर नहीं निकलना, जब निकलना तो ऐसे डिसओरिएंटेड रहना। आमिर खान ने अब एक नया सोशल कॉज उठा लिया है, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन। पूछने पर आमिर ने कहा, देखिए वेरी सिंपल, दिस कॉज इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, यू नो, क्योंकि अगर मुझे मेरी मम्मी ने टाइम पे कॉम्प्लान पिलाया होता तो आज मेरी हाइट ये नहीं रहती। एज हिज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस, आमिर ने शाहिद कपूर को एक हॉर्लिक्स का डिब्बा दिया और दर्शील सफारी की एक डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करा। पाकिस्तान में यूएस एम्बेसी ने एक गे प्राइड परेड ऑर्गेनाइज की, जिसके कारण वहां के मुल्ला जो है वो बौखला गए हैं परेड। उनका कहना है कि ये अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी है टू प्रमोट बीइंग गे इन द कंट्री। भाई एक बात बताओ, जिस देश में आदमी और औरत दोनों सलवार कमीज पहन के घूमते हैं उसमें गे ना होना कैसे पॉसिबल? और भाई, इफ इट्स ओके टू गोट्स, देन व्हाट्स रॉन्ग विद वांटिंग टू अनदर मैन? आपको क्या लगता है शोएब अख्तर को वो जेनिटल हर्पिस कैसे हुआ? और ये जो पाकिस्तान की बोलिंग के टाइम हमेशा विकेट के पीछे से मोइन खान बोलता रहता था, साइड से मुशी भाई, साइड से सकलेन भाई, साइड से वकार भाई, इसका क्या मतलब? साइड से मुशी भाई, साइड से मुशी भाई, साइड से मुशी भाई, मुशी भाई साइड से। सामने से क्यों नहीं, साइड से क्यों? क्या साइड बिजनेस खोला हुआ? अजी ये सुनिए, नवजोत सिंह सिद्धू बिग बॉस के सीजन 5 का हिस्सा होंगे। जी हाँ, क्योंकि मनमोहन सिंह को तो अपर हाउस से निकाला नहीं जाता, मतलब रात निकाल नहीं सकते, तो नवजोत सिंह सिद्धू को बिग बॉस हाउस से ही सही। अब हमें मौका तो मिलेगा किसी एमपी को हाउस से निकालने का। वैसे नवजोत सिद्धू के बिग बॉस में जाने से क्रिकेट लवर्स बहुत खुश है, फाइनली उन्हें उनकी प्री मैच बकवास नहीं सुननी पड़ी। एंड टू मारिया सुसायराज, who might also be on the show, just a reminder that Navjot Singh Sidhu too has killed a man with his bare hands. Thoda sa mal ke rahe. Hiya! Oh. Hiya! Business circles mein insider news hai ki China Facebook ka ek bada hissa khareedne ki firaq mein hai. Well, cheap copies banani ho to ek original to khareedna hi padta hai. But it will be nice. Facebook, after the Chinese takeover, will be called Flat Facebook. मैं नाक क्यों दबा रहा हूँ, है कहाँ मेरी नाक? थोड़ी आंखें ऐसी होती तो मैं भी चाइनीज ही था। But it will be nice, really nice for a change. पहले हमारी personal information Americans देखते थे, अब Chinese देखेंगे। कम से कम एशिया की बात एशिया में रह जाएगी। But wait, चाइना में तो social networking पर रोक है, ban है। फिर ये लोग क्यों Facebook में stake लेना चाहते हैं? ये तो वही बात हुई कि नरेंद्र मोदी दारू का plant लगा रहे हैं। ईरान इस महीने space में एक बंदर को भेजने वाला। और ये सुनकर जीतू जी ने तुषार को देखकर कहा, सुना। क्या कर रहे हो फिल्मों में? सुना तुमने? खबर है कि ईरान इस समय 5 बंदरों को ट्रेन कर रहा है। सुना, जिसमें से बेस्ट को उनके स्पेस प्रोग्राम का, स्पेस प्रोग्राम के तहत अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। मतलब 4 बंदर जो सिलेक्ट नहीं होंगे, इसके बाद बाकी रियलिटी शोज जैसे कि स्पेस का महामुकाबला या स्पेस सर्कस में घूम घूम के अपनी बाकी की जिंदगी काटे। हो सकता है कोई बंदर जो बहुत ही डिप्रेस हो रूडीज में भी आ जाए। वेस्टर्न वर्ल्ड वैसे ईरान के स्पेस प्रोग्राम से बहुत डरा हुआ है, उनका कहना है कि बंदर की आड़ में ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है। यस, वेस्टर्न वर्ल्ड शुड नो कि बंदर की आड़ में क्या क्या हो सकता है। आई मीन यूएस ने एक बंदर प्रेसिडेंट की आड़ में पहले गल्फ वॉर की, फिर उस बंदर के बेटे मतलब दूसरे प्रेसिडेंट की आड़ में इराक और अफगानिस्तान वॉर।
और फिर तीसरे बंदर प्रेसिडेंट के एड में अफगानिस्तान वॉर कंटिन्यू कर, मतलब बंदर कितना खतरनाक हो सकता है जरा सोचिए। अभी बाकी है एक मुलाकात दिल्ली के एक इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट के साथ कि बेचारे को एडमिशन नहीं मिला, और कुछ आने वाली फिल्मों के ट्रेलर जेम्स का। तब तक सुरीला संगीत सुनिए। इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के कट ऑफ ने नया रिकॉर्ड बनाया है। दे हिट, वेट फॉर इट, 100% अक्रॉस सम डिसिप्लिन्स। नीडलेस टू से इससे हमारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स पे काफी गहरा असर पड़ा है। चलिए बात करते हैं कि ऐसे ही एक स्टूडेंट से, राहुल शर्मा जिनका नाम है, जिसके बोर्ड में माइंड ब्लोइंग 95% मार्क्स आए हैं। एंड राहुल, आर यू फीलिंग आफ्टर योर ग्रेट परफॉर्मेंस? हे, व्हाट्स अप सुमित, बाय द वे थैंक्स फॉर इनवाइटिंग, यू नो बहुत अच्छा लग रहा है बोर्ड्स के रिजल्ट्स के बाद। आई नेवर एक्सपेक्टेड 95%, आई एम सो हैप्पी। अरे क्या हो गया राहुल, ये तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? कार एक्सीडेंट वगैरह हो गया? नहीं सुमित, ये तो बस पेरेंट्स का यू नो प्यार है जो उन्होंने थोड़ा बरसा दिया मुझे। प्यार ऐसा? But you got 95%, तुम्हारी इतनी पिटाई क्यों क्यों उन्होंने? Actually सुमित, इस साल कट ऑफ है ना, 100% हो जाने पे मुझे किसी भी अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। बेसिकली 95% वालों का वही हाल है जो वो चूतिए 75% वालों का है, इसलिए पिताजी थोड़े कैरिड अवे। 95% आने के बाद भी तुम्हें कहीं एडमिशन नहीं मिल रही है? अब क्या बताऊं सुमित, आधे से ज्यादा सीट्स SC ST OBC ये वाले ले जाते हैं, उसके बाद थोड़ी वॉर कोटा, स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स, डिजेबल्ड कोटा एक्सेट्रा के बच्चे फिल कर देते हैं। जो लेफ्ट ओवर रह जाते हैं वो जनरल कैटेगरी में 98% वाले ले जाते हैं। अब तो पापा ने इतनी पिटाई कर दी है ना कि स्पोर्ट्स कोटा में भी अप्लाई नहीं कर सकते। और थोड़ी करते तो हैंडीकैप कोटा में जाना पड़ता। ओह माय गॉड, but what will you do now? I'm really concerned yaar, guys don't laugh at me. What will you do? kuch nahi sumit, mujhe lagta hai ki ye government ki ek chaal hai taki students fir se hindi aur sanskrit honors wale courses mein apply kare. in pe pehle koi thookta bhi nahi tha, ab iske liye bhi hame 96% chahiye hota. I'm hoping mera second ya third cut off mein at least naam aa jaye. aur agar nahi aaya tera? kuch nahi sumit, fir IIPM jana padega. वैसे आई हैव हर्ड वहाँ पे MBA के बाद कॉल सेंटर में अच्छी नौकरी मिल जाती है, और ऊपर से अमीर घरानों की बेवकूफ लड़के, शायद मेरी किस्मत चमक जाए। व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स, उन सब की क्या हालत है? दे आर मोस्टली फाइन, जिनका 80% आया है वो हंस रहे हैं कि पूरे साल स्कूल में बिना पढ़े बकचोदी करने के बावजूद वो सेम मेरी हालत है। बाकी एक और दोस्त है जिसको 93.8% आए थे, उसने सुसाइड कमिट कर लिया। वैसे इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन राइट? नहीं 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 राहुल, नहीं नहीं, आंखें देखो मेरी, कैसी बात कर रहे हो तुम? यू कांट किल योरसेल्फ। अरे सम ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स इन द वर्ल्ड ड्रॉप्ड आउट ऑफ फ्रॉम कॉलेज, देन बिल गेट्स का एग्जांपल ले लो। डोंट लूज होप यार, तुम क्या इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हो? खुद तो तुम एक इंटरनेट शो कर रहे हो जिसे कोई घंटा नहीं देखता। चुप करे मादर। टीवी पे करता हूं काफी सारा। हाँ देखा है टीवी मैंने, MTV पे तुम्हारी वो घूम पिक्चर देखी थी, क्या बंडल थी। थैंक गॉड यू आर नॉट देयर इन कोक स्टूडियोज, नाउ इफ यू एक्सक्यूज मी, टाइम हो गया है, कोई मेरा इंतजार कर रहा है, मेरी एक मीटिंग है। कोई सरदार जी कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन करवा देगा इन अ यूनिवर्सिटी दैट गिव्स फ्री लैपटॉप। ओके नाउ बाय। इसका जूता मारूंगा मैं तेरे को। पापा को बुला फोन पे। ओ बेटे को कम मारा और मारो। मेरी इज्जत उतार रहा है यहाँ।
आजकल के बच्चे भी ना साले मार खा जाते हैं, तमीज नहीं है। अरे घूम वॉज अ मास्टर पीस। खैर सी यू इन द नेक्स्ट सेगमेंट विद सविता भाभी इन अ पर्टिकुलरली सेक्सी मूड। थोड़ा मैं अरे बजा डोंट वरी, मैं फ्रेश हो गया हूँ। सविता भाभी आ रही है और इस पिघलती हुई दुनिया का बिल्कुल समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं उसके पास जिसकी जिंदगी हमेशा हसीन है। सविता भाभी की सेक्सी सॉल्यूशन। हेलो सविता, ये इतने सारे बॉक्सेस, ये तो हेलो कॉन्डम पैकेट्स लग रहे हैं। यस, और आज का मेरा सेक्सी सॉल्यूशन सुनने के बाद मुझे तुम्हारे पास से भी एक सॉल्यूशन चाहिए, समझे? श्योर। वैसे आज किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तुम्हारे पास? आज का जो सॉल्यूशन है मेरे पास, मैं बता देती हूँ। मॉल में हम जब भी जाते हैं तो तुमने देखा होगा सुमित कि हम फिजूल की चीजें खरीद लेते हैं, तो फिजूल की चीजें खरीदने से अपने आप को कैसे बचाया जाए, उसे बचाने का एकमात्र उपाय। मैंने नोटिस किया है कि जब भी हम मॉल में जाते हैं तो 80% वो चीजें खरीद कर ले आते हैं जिसकी हमें जरूरत ही नहीं होती, जो हमारे किसी काम में नहीं आते। मेरा दोस्त मॉल में कॉफी खरीदने गया था और कॉफी मेकर साथ लिया। He got married to a barista waiter. और वो मेरे बिल्कुल काम की नहीं है। एनीवे, मैं भी काम अटक गया। तो तुम बताओ, ऐसे मतलब ऐसे जो बिन जरूरी चीजें खरीदने से हम कैसे बच सकते हैं? इट्स वेरी सिंपल और इफेक्टिव भी है जो मैं बताने वाली हूँ। जैसे कि आप सुपरमार्केट में जाते हो, डायरेक्ट कॉन्डोम सेक्शन में चले जाओ, कुछ मत खरीदो, और वहां से ढेर सारे कॉन्डोम के पैकेट्स खरीद कर लाओ, जैसे मैंने लाए हैं। और उसके बाद सीधे कैश काउंटर पे चले जाओ, पैसे दे दो, सारे कॉन्डोम ले लो और सारे कॉन्डोम्स को अपने बैग में भर लो, और इतने सारे कॉन्डोम एक साथ अपनी बैग में देखने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आएगी कि इतने सारे कॉन्डोम को खत्म कब करें, कैसे करें, कितनी जल्दी करें। और फिर क्या होगा, ऑटोमेटिक आपके पैर वहां से भागते हुए बिल्कुल आपके अपने बेडरूम में ले जाएंगे और आप इस तरह से फिजूल की चीजें खरीदने से बच जाएंगे। माइंड ब्लोइंग सॉल्यूशन, माइंड ब्लोइंग। अब तुम बताओ मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। हाँ बताओ बताओ, क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम, बताओ। मेरे पास इतने सारे कॉन्डोम के पैकेट्स हैं, अब जल्दी बताओ कि इन्हें खत्म कैसे करें, मेरी मदद करो। ओके, गिव मी हाफ एन आवर, एक बार मुझे तुम्हारे घर पर पहुंचने दो, मैं ये सारे पैकेट्स एक ही दिन में खत्म करूंगा। एक ही दिन में इतने सारे पैकेट्स खत्म कर दोगे? कहीं तुम नहीं? नहीं 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 नहीं, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है। ऐसी बात है, सुनो। That's all for tonight. I have a major job to pull off. क्या? जाओ ना, see you next week. Till then, keep using your condoms. अरे, रेनकोट नहीं है क्या? ठीक है, उसके पास कॉन्डम बहुत है, चलो। रह गए कल जो
से हम कहीं किधर हम चले नहीं।